मुकेश जी, यानी वो आवाज़ जो हम सभी के दिलों को गहराई से छूती है। आज वो दिन है जिस दिन यह आवाज़ अपने स्थूल स्वरूप में इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चली गई थी। आज मुकेश जी की मृत्यु तिथि पर जाने माने कवि हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने उनके लिए लिखी कविता का पाठ करते हैं। कविता कुछ इस प्रकार है। अमर ज्योति मुकेश। तुम्हारी आवाज में उदासी थी, उदासी को और गहरी उदासी बनाते हुए। तुम में वह बात थी दोस्त, जिसने सारे संगीत को उदास बना दिया। और तुम्हारी आवाज में व्यक्त होती रही अव्यक्त आवाजें। हम एक दूसरे को जानते थे, जैसे फूल का खिलना जानता है गंध और रंग को। आपस में खुले मिले तुम्हारे स्वर सफेद पंखुरियां थे। उनमें एक शाम थी रोशनी में कांपती हुई। प्यारे दोस्त, तुम्हारा संगीत चलता रहेगा, चलता रहेगा, और हम सिसकेंगे तुम्हारे मीठे गीतों के बज उठने पर। तुम गए नहीं हो अभी, रिकॉर्डों पर हमें बताते हुए हमारे उदास दिल तुम्हारी याद को धोखा नहीं देंगे। हे भगवान, मैं कितना रोया चुपचाप जब मुझे खबर मिली कि तुम्हारा शरीर अब नहीं रहा, नहीं रहा। लेकिन तुम हमारे दिलों में एक अमर ज्योति बनकर जलते रहोगे, उस दूरी से भी साफ चमकते हुए, जहां हमें भी पहुंचना है। मेरे दोस्त, तुम हमारी प्रतीक्षा करोगे। हम जो जीवित रहकर विजयी रहे हैं, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। प्रत्येक अंत एक नई शुरुआत ही तो है। हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। स्वस्ति श्री गणनायको गजमुखो मोरेश्वर सिद्धिदः वर्णनस्तु Oh,
नमस्कार, शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा आप सभी का स्वागत करती हूँ हिट्स ऑफ शंकर जयकिशन विथ मुकेश इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में। ये एक बायोग्राफी श्रृंखला है और पिछली दो कड़ियों की स्मृतियों के साथ, मधुर स्मृतियों के साथ हम शुरू करने जा रहे हैं आज की इस तीसरी कड़ी को। लेट 50s और अर्ली 60s ये वो दौर हुआ करता था जब शंकर जयकिशन के साथ मिलकर मुकेश जी एक ग्लोबल यानी विश्वव्यापी संगीत क्रांति के सूत्रधार बन चुके थे। इन तीनों ने साथ में मिलकर उस दौर में कई स्थापित संगीतकारों और गायकों गायिकाओं की नींदें उड़ा रखी थी। अब फिल्म फ्लॉप होगी या हिट, इस बात का तो किसी को पता नहीं होता था, लेकिन फिल्म में मुकेश जी का गाना होना ये इस बात की गारंटी हुआ करती थी कि वो गाना लोगों की जबान पर चढ़ेगा ज़रूर। और उसी तरह फिल्म चाहे फ्लॉप हो जाए लेकिन म्यूजिक एल्बम ज़रूर हिट होगी, इस बात की गारंटी हुआ करता था शंकर जयकिशन का संगीत। तो आइए आज इस श्रृंखला में आगे बढ़े और इन तीनों के बारे में कुछ और बातें करें। वैसे मुकेश जी की आवाज़ अपनी स्थापित फ्रेम को तोड़कर अब बाहर निकलने लगी थी। वो धीर गंभीर और स्थिर या स्लो गानों की जगह पर अब चंचल, नटखट और कॉमेडी स्वरूप भी कभी कभी इख्तियार करने लगी थी और बार बार लोगों को ऐसे गाने मुकेश जी की आवाज़ में सुनने को मिल भी रहे थे। आज भी एक ऐसे ही गाने के साथ शुरुआत करेंगे। फिल्म का नाम है एक फूल चार कांटे और गीत लिखा है शैलेंद्र जी ने। संभल के करना जो भी करना, नाजुक हाथों वाले, नाजुक हाथों वाले, लचक न जाए नरम कलाई, पड़ ना जाए छाले, पड़ ना जाए छाले, संभल के करना जो भी करना। हटा के पर्दे निकल पड़े हो, मुकाबला क्या तुम ही बड़े हो, हटा के पर्दे निकल पड़े हो, मुकाबला क्या तुम ही बड़े हो, मगर जरा तुम इधर तो देखो, हम है भोले भाले, हम है भोले भाले, संभल के करना जो भी करना, नाजुक हाथों वाले, नाजुक हाथों वाले, संभल के करना जो भी करना। सलोनी चितवन अदाए कातिल, वो लुट गया जो हुआ मुकाबिल, सलोनी चितवन अदाए कातिल, वो लुट गया जो हुआ मुकाबिल, ये तिरछी तिरछी नजर तुम्हारी हमको मार न डाले, हमको मार न डाले, लचक न जाए नरम कलाई, पड़ ना जाए छाले, पड़ ना जाए छाले, संभल के करना जो भी करना। तने है तेवर चढ़ा है पारा, तुम्हारा गुस्सा भी जा से प्यारा, तने है तेवर चढ़ा है पारा, तुम्हारा गुस्सा भी जा से प्यारा,
रूप का जादू जब चढ़ जाए, दिल को कौन संभाले, दिल को कौन संभाले। संभल के करना जो भी करना, नाजुक हाथों वाले, नाजुक हाथों वाले। लचक न जाए नरम कलाई, पड़ ना जाए छाले, पड़ ना जाए छाले। संभल के करना जो भी करना, बारे में बार बार ये कहा जाता है कि उनकी संगीत की समझ थोड़ी कम थी, या फिर शास्त्रीय संगीत के मामले में वो बेहद कमज़ोर हुआ करते थे। अब जब कोई इंसान बड़े बड़े बॉलीवुड कनेक्शंस के बिना भी यहाँ पर आया हो, उसने अपने आप को यहाँ स्थापित किया हो, इतना मशहूर हुआ हो और दशकों तक सबसे लोकप्रिय गायक का ताज जिसने अपने सर पर सजाया हो, उसकी संगीत की समझ के बारे में उंगली उठाने का हक कम से कम हमें तो नहीं। उनकी सफलता का रश्क करने वालों को मुकेश जी ने कभी कुछ नहीं कहा। ये उनकी सरलता थी, उनकी महानता थी। लेकिन हाँ, हर गुगली पे उन्होंने चौके और छक्के ज़रूर लगाए हैं, इस बात से कौन इनकार कर पाएगा। वेल, शास्त्रीय रागों पर आधारित कई गाने मुकेश जी ने कई बार गाए, लेकिन एक अवसर ऐसा आया जब शंकर जयकिशन ने उनके लिए एक परफॉर्मेंस बेस्ड सेमी क्लासिकल गाना प्लान किया। ये गीत राग मारू बिहाग पर आधारित था। मुकेश जी ने इस गीत को ऐसा गाया कि ये गीत आज भी आलोचकों के गाल पर मुकेश जी का एक सुरीला तमाचा बन के रह गया है। अब मुकेश जी को अपनी बहन सुंदर प्यारी की वो शिक्षक, जिनसे इन्होंने संगीत की प्राथमिक शिक्षा ली, उनका मान तो रखना ही था। या फिर पंडित जगन्नाथ प्रकाश की सालों की संगीत शिक्षा को जाया कैसे जाने देते। मुकेश जी ने ना ही शंकर जयकिशन को और ना ही अपने चाहने वालों को कभी भी निराश किया, और इस बात का प्रमाण है राग मारू बिहाग पर आधारित ये गाना, फिल्म अगेन, एक फूल चार कांटे, और लिखा है अगेन शंकर, सॉरी। मतवाली नार घुमक घुमक चली जाए,
इन कदमों पे जिसका जियाना झुक जाए। मुस्काए शर्माए झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए, इन कदमों पे किसका जियाना झुक जाए, इन कदमों पे किसका जियाना झुक जाए, मतवाली नार ठुमक ठुमक चली जाए। शैलेंद्र जी का लिखा ये गाना था फिल्म एक फूल चार कांटे से। इस फिल्म में पहली बार सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लोगों ने एक साथ देखा, वरना और यूं कह सकते हैं कि पहली बार रोमांटिक डुओ के रूप में इन दोनों को एक साथ देखा, क्योंकि अभी एक साल पहले ही दीदी फिल्म आई थी। इस फिल्म में दोनों मौजूद तो थे, लेकिन इन दोनों की केमिस्ट्री को एक दूसरे के ऑपोजिट पहली बार देखा गया एक फूल चार कांटे में। इस फिल्म में लोगों ने इन दोनों को बहुत पसंद किया, इतना कि ये जोड़ी बॉलीवुड की हिट जोड़ियों में से एक गिनी जाने लगी। 1960 से लेकर 1972 तक 12 सालों में 7 फिल्मों में इन दोनों ने एक साथ काम किया, और इनमें से सबसे ज़्यादा एक फूल चार कांटे के बाद 2 साल बाद आई फिल्म मुझे जीने दो में लोगों ने इन दोनों को पसंद किया। वेल, फिलहाल फिर से पीछे चलते हैं और 60 की उस फिल्म और उस दो गाने की ओर चलते हैं जब लोगों ने इनकी केमिस्ट्री को सबसे ज्यादा सराहा, और वो गीत है ये जिसे हसरत साहब ने लिखा था। वायलिन के लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए, गाना इसीलिए हमने लिया है, मैंडोलिन और वायलिन। आंखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, दिल खो के तुमने क्या पाया, नसीब की राह हम क्यों न आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तू फूल क्यों न मुस्काए, आंखों में रंग क्यों आया। सुबह की धूप ये खिलता खिलता रूप, काजल लकीर चितवन के तीर ये नैना रूप अनूप, हमसे ये फेज कह दीजिए, हम भी तो आप ही के हैं, हमसे यूं शर्म ना कीजिए, नसीब की राह हम क्यों आज इतराए, राहों से हट गए कांटे, तू फूल क्यों न मुझे
यूं आया। तरसाओ न यूं हमदम, तुम्हें ना जो हदा की कसम, जल्दी से बोल दो ये राज खोल दो, अपना बना लो जन्म। हर दिन न कहूंगी ये बात, छोड़ोगे न जब तक हार, मन के नसीब रहना करीब जो तारा चांद के साथ। तुमसे जुदा न होंगे हम, बदले हजार ये आलम, जान दे देंगे गाती है सांस की सरगम। आंखों में रंग क्यों आया, बोलो नशा सा क्यों छाया, हमको ये राज बतलाओ, देखो के तुमने क्या पाया। आंखों में रंग क्यों आया, पहले हमने जिक्र किया 1963 की फिल्म मुझे जीने दो का, जो डाकुओं के बारे में बनी एक यादगार और बेहतरीन फिल्म थी। लेकिन फिलहाल हमें बात करनी है उस फिल्म की जो इस विषय में ट्रेंड सेटर थी, यानी जिस देश में गंगा बहती है, 1960। ऐसा नहीं कि इससे पहले डाकुओं के बारे में फिल्में नहीं बनी। द वेरी फेमस मदर इंडिया से लेकर शम्मी कपूर की डाकू तक कई फिल्में ऐसी थी जिसमें डकैतों के, डाकुओं के किरदार थे, लेकिन डाकुओं की जिंदगी, उनकी भावनाओं और उनकी जीवन शैली पे अगर कोई फिल्म इस हद तक केंद्रित हो तो ऐसा ये पहली बार हुआ था। और वो भी आरके जैसे बड़े बैनर की बड़ी फिल्म, इतनी सफल सुपरहिट फिल्म। इसके बाद तो कई सारी फिल्में मुझे जीने दो के अलावा, डकैत, प्राण जाए पर वचन न जाए, मेरा गांव मेरा देश, यहाँ तक कि शोले और बैंडिट क्वीन भी आई, जो जिस देश में गंगा बहती है के पदचिन्हों पर चली। लेकिन फिलहाल हम इसी फिल्म का गाना सुनने वाले हैं जिसे शंकर जयकिशन ने भैरवी में निबद्ध किया था और शैलेंद्र जी ने इस गीत के बोल लिखे थे।
सागर की तरह है। इसमें कूदने वाले हर इंसान को लहरों का सामना करना पड़ता है। इंडस्ट्री में कई किस्से मिलेंगे कि कोई एक इंसान एक जगह रहकर अपना काम कर रहा है और अचानक से उसके सामने एक बहुत बड़ी लहर, मानी एक बहुत बड़ा मौका आ जाता है। उस लहर के आने के बाद दो बातें बनती है, या तो वो इंसान उस लहर पर सवार होकर सफलता की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, या तो फिर वो लहर उसे लेकर डूबती है और बॉलीवुड के नक्शे से उस इंसान के नाम को मिटा देती है। लेकिन एक इंसान है, राधु कर्माकर, जिनके सामने ये लहर तो आई लेकिन ये दोनों बातें उनके साथ नहीं हुई। राधु आर के बैनर में सिनेमेटोग्राफर, कैमरामैन बन के काम कर रहे थे आवारा के टाइम से, और एक बार उनके काम से बहुत खुश होकर राज कपूर जी ने उन्हें अपनी बहुत बड़ी फिल्म जिस देश में गंगा बहती है का डायरेक्टर घोषित कर दिया। फिल्म बनी, कितनी सक्सेसफुल हुई ये तो हम जानते हैं। एक लहर मानो आई और चली गई। अब इस लहर का ना ही राधु को फायदा मिला, मतलब ना ही उन्हें दूसरी फिल्में मिली, ना ही किसी मनमोटाव की वजह से वो मनमोटाव का शिकार होकर आरके बैनर से दूर हुए, यानी वो डूबे भी नहीं, जैसे कुछ नहीं हुआ। राधु वहीं रहे अंत तक, राम तेरी गंगा मैली तक आरके बैनर में एज ए सिनेमेटोग्राफर, एज ए कैमरामैन काम करते रहे। यहाँ तक कि जब राज कपूर ने अपनी पहली कलर फिल्म संगम बनाई, उस वक्त यूरोप के कैमरामैन्स का भी यही कहना था कि अगर इंडिया में कोई इंसान कलर कैमरा वर्क को बखूबी निभा सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधु कर्माकर है, और उन्होंने वो किया भी। कह सकते हैं कि उन्हीं की बदौलत संगम कलर फिल्म बनी। मगर ये जो बात है, ये जो स्थिरता उनकी करियर, उनकी जिंदगी की ये जो स्थिरता है, ये बड़ी बात है। फिलहाल राधु कर्माकर की एक लौती एज अ डायरेक्टर फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म से सुनते हैं अगला गाना, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, प्यार कर ले नहीं तो पीछे पड़ जाएगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, प्यार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा, प्यार कर ले। सैकड़ों तीर से तलवार से जीते हारे, सैकड़ों तीर से तलवार से मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से मेरे साथ मुस्कुरा, दिल को जीत प्यार से। विचार कर ले, विचार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। प्यार कर ले, चोरी करी चोर बना रोज नई घात है, चोरी करी चोर बना रोज नई घात है, आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है, आज तेरी जिंदगी जैसे काली रात है। पार कर ले, पार कर ले नहीं तो चक्कर पड़ जाएगा, प्यार कर ले नहीं तो फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा, फांसी चढ़ जाएगा। यार कर ले, प्यार कर ले नहीं तो पीछे पछताएगा, प्यार कर ले।
ये जो गीत हमने अभी अभी सुना, ये मुकेश जी की खुली आवाज और स्पष्ट उच्चारण का एक बहुत ही बड़ा सबूत था। ये था एक और गाना भैरवी में निबद्ध और एक और गाना शैलेंद्र जी का लिखा हुआ। शैलेंद्र जी की लेखनी के बारे में एक किस्सा प्रसिद्ध है। राज कपूर ने शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत, मुकेश जी इन सबको बिठा के अपनी पटकथा का मंचन रखा था और पटकथा ख़त्म होने के बाद उन्होंने उत्सुक निगाहों और तड़कते हृदय के साथ सबकी राय पूछी। सबको चौंकाते हुए शंकर जयकिशन अपनी जगह से खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि पटकथा तो बहुत अच्छी है, लेकिन डाकुओं वाली इस कहानी में हमारा मेलोडियस म्यूज़िक मिसफिट होगा, तो मुझे नहीं लगता कि हम ये फिल्म कर पाएंगे। शंकर जयकिशन ने अपने हाथ खड़े कर दिए और महफिल छोड़कर चल दिए। राज कपूर इस बात से ज़रा सा निराश ज़रूर हुए, उनका दिल थोड़ा टूट सा गया, लेकिन उन्होंने उस वक्त कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन शैलेंद्र जी को बुलाकर उन्होंने उनसे एक ख़ास गाना लिखने को कहा। अब परंपरा ये थी कि हमेशा शंकर जयकिशन पहले धुन बनाते और शैलेंद्र जी बाद में उस धुन पर शब्द लिखते थे, लेकिन इस बार राज कपूर जी की भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए शैलेंद्र जी ने बिना ट्यून के अपनी कलम को निचोड़कर एक कड़क गाना लिखा। ऐसा गाना जिसे सुनकर राज साहब खुशी से झूम उठे। उसी वक्त गीत को लेकर और शैलेंद्र को लेकर शंकर जयकिशन के पास गए और उन्हें गाना सुनाया। किसी चमत्कार की तरह शंकर जयकिशन फिर एक बार उस गीत की वजह से फिल्म से जुड़ गए। ना ही उन्होंने कोई सवाल पूछा, ना कुछ कहा। तभी के तभी उस गीत को अगेन भैरवी के आधार पर उन्होंने एक तर्ज में निबंध किया और राज साहब को और शैलेंद्र जी को वो तर्ज सुनाई। ये गीत वही था जो अब मुख्तार जी आपको सुनाने जा रहे हैं। आइए सुनते हैं। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। मेहमान जो हमारा होता है, वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं, इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं, जिस देश में गंगा बहती है।
से मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। जो जिसे मिला सीखा हमने, गैरों को भी अपनाया हमने। मतलब के लिए अंधे होकर रोटी को नहीं पूजा हमने, रोटी को नहीं पूजा हमने। अब हम तो क्या सारी दुनिया से कहती है हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है, जिस देश में गंगा बहती है। क्या खूबसूरत गाना था। वैसे ये गाना राज कपूर के दिल के बेहद करीब था। कई वर्षों बाद भी जब जब ये गाना सुनते तब तब राज साहब की आंखें भर आती थी। उनके इस भाव आवेश के बारे में जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि भारत और भारतीयता का मतलब इस गीत से ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि किसी और तरह से समझाया जा सकता है। इस गीत में वो बात है जिसके ज़रिए एक सामान्य हिंदुस्तानी भी अपनी हिंदुस्तानियत का अभिमान कर सकता है और उसे जता सकता है। राज कपूर ने तो यहाँ तक कहा था कि अगर मेरा बस चले तो मैं इस गीत को हिंदुस्तान का राष्ट्रगीत घोषित करने से भी पीछे नहीं हटूंगा। खैर, फिलहाल इसी फिल्म का एक और गाना सुनना है जो एक डुएट है। मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ऐसे मनमौजी को मुश्किल है समझाना, है ना। के लिए उसकी कविता की सबसे बड़ी सफलता क्या हो सकती है? मिर्जा गालिब ने इस बात का जवाब दिया था। उन्होंने दो रास्ते बताए थे। उनका कहना था कि गजल अगर गाने वालों के कोठों तक पहुंच जाए या फिर वो किसी संत या फकीर की जबान पे सचकर गलियों में घूमने लगे तभी उसे मशहूर कहा जा सकता है।
लेकिन अगर इस बात से एक कदम आगे बढ़कर सोचे तो मेरा मानना है कि जब जब किसी कवि के शब्द, कविता के शब्द लोगों की बोलचाल में, रोज़मर्रा की जिंदगी में, यहाँ तक के भाषा के ग्रंथों का हिस्सा बन जाए और कहावत की तरह बोले जाने लगे, उससे बड़ी मशहूरियत और क्या हो सकती है। खैर, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये ऐसी ही एक कहावत है जो जब जब कानों में पड़ती है तो शैलेंद्र जी की याद आती है। इसी फिल्म के एक दूसरे गीत में शैलेंद्र जी ने लिखा है कि आँख हमारी मंजिल पर है, दिल में खुशी की मस्त लहर है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। क्या बात है, क्या शब्द है, क्या मिसरा है। आज यही मिसरा एक कहावत बन के सांस ले रहा है, लाख लुभाए महल पर आए, अपना घर फिर अपना घर है। ये बात हमारी रोज़मर्रा की बातचीत में, बोलचाल में अपनी जगह बना चुकी है। तो आइए इन शब्दों के लिए कवि को सलाम करते हुए सुनते हैं ये अद्भुत, अलौकिक, बेनमून गाना, जो अगेन फिल्म जिस देश में गंगा बहती है से है। तो एक और मोती प्रस्तुत है शंकर जयकिशन के खजाने से।
अपना घर फिर अपना घर है अब लौट चले अब लौट चले नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा अब लौट चले ज्यादा साजिंदे हैवी वायलेंस और रिदम के साथ मुकेश जी का अंतरा और लता जी का आलाप और इन सब से बढ़कर इंडस्ट्री का शायद सबसे यादगार कोरस। इस रेसिपी से बना था शंकर जयकिशन का ये यादगार गाना। इस गीत को सुनने से ही समझ में आता है कि आखिर क्यों इस गीत को रिकॉर्ड करने में पूरे 19 घंटे लगे होंगे। खैर, वैसे इस फिल्म में कई बातें यादगार थी, जैसे कि प्राण साहब का किरदार। मगर फिल्म की शुरुआत में ये हुआ था कि बड़ी जद्दोजहद के बाद भी राज साहब प्राण के गेटअप से संतुष्ट नहीं हो रहे थे। फिर बौखला कर उन्होंने मेकअप दादा से स्टोर रूम से सारे पुराने विग्स मंगवाए। प्राण बेचारे एक के बाद एक विग्स ट्राई करते रहे। थोड़ी कांट छांट के बाद जब मेकअप दादा ने एक विग प्राण को पहनाया तो खुशी से उछल कर राज साहब बोल उठे कि दैट्स माई राका, परफेक्ट। अब मजे की बात यह है कि ये जो विग था वो नरगिस जी के लिए बनाया गया था, किसी और फिल्म के लिए। खैर, हमारे लिए तो यही बात काफी है कि वो विग पहने हुए राका बने हुए प्राण और प्राण साहब का ये गाना सब कुछ हमारे दिलों में अपनी अमिट छाप छोड़ गए। तो आइए सुनते हैं वही गाना जिसे गाने वाले हैं श्री अरविंद रावल जी, मनदीप देवाश्रयी और फीमेल सिंगर के तौर पर हमारा साथ निभाने वाली है ज्योति क्रिश्चियन जी, कोरस सिंगर्स भी इनका साथ दे रहे हैं। आइए सुनते हैं ये गीत। आग हमारे सीने में, हम आग से खेलते आते हैं, टकराते हैं जो इस ताकत से वो मिट्टी में मिल जाते हैं। तुमसे तो पतंगा अच्छा है जो हंसते हुए जल जाता है, वो प्यार में मिट तो जाता है पर नाम अमर कर जाता है, पर नाम अमर कर जाता है। हम भी है, तुम भी हो, दोनों है।
गरजते सागर है, कोई हमको बांध नहीं पाया। होए हम मौज में जब भी लहराए, सारा जग डर से थर्राया। हम छोटी सी वो बूंद सही है, सिपने जिसको अपनाया। खारा पानी कोई पी न सका, एक प्यार का मोती काम आया, एक प्यार का मोती काम आया। हम भी है तुम भी हो, दोनों है आमने सामने। देख लो क्या असर कर दिया प्यार के नाम ने। कमल सबसे सुंदर, मेहनत का फल सबसे मीठा। इस प्यार की बाजी में हंस कर वो दिल हारा जो सब जीता, वो दिल हारा वो सब जीता। हम भी है तुम भी हो, दोनों है आमने सामने। कर दिया प्यार के नाम ने। इतना सा जिगर इतना सा है दिल, क्या बात बड़ी करने आए। क्या पैदा होगी आग अगर पत्थर से न पत्थर टकराए। नन्हा सा यदि आँखों में न हो तो पल में अंधेरा हो जाए।
हमेशा ही बड़ी हैरत के साथ इस बात का जिक्र करते हैं कि अमिताभ बच्चन को देखिए, उन्होंने 7 फ्लॉप फिल्में देने के बावजूद भी हार नहीं मानी, डटे रहे और आखिरकार सफल होके दिखाया। हमारे यहाँ एक बड़ी अजीब सी परंपरा है कि 2-4 फ्लॉप फिल्में देने के बाद किसी एक्टर के माथे पे फ्लॉप का लेबल लग जाता है और उसके बाद अगर वो चाहे तो भी उसे हटा नहीं पाता। अब ऐसे में नए लोगों के लिए अमिताभ एक बहुत ही अच्छा दृष्टांत है, लेकिन अगर अमिताभ जी को दृष्टांत कहेंगे तो शम्मी कपूर को क्या कहेंगे? पृथ्वीराज कपूर के खानदान से होने के बावजूद भी 1953 से लेकर 57 तक उन्होंने पूरी 26 फ्लॉप फिल्में दी। 1957 में तुमसा नहीं देखा में पहली बार लोगों ने उनको नोटिस किया। उसके बाद कुछ छोटी मोटी हिट फिल्में मिली, लेकिन अपनी पहली ब्लॉकबस्टर का मुंह इन्होंने देखा 1961 में जंगली के रूप में। वेल, वो जो छोटी मोटी हिट फिल्में बीच बीच में उन्होंने दी थी उन्हीं में से एक थी सिंगापुर। लेकिन अब तक उनकी आवाज़ के लिए किसी एक सिंगर का चयन नहीं हो पाया था, ट्रायल एंड एरर चल रहे थे। तो सिंगापुर में भी शंकर जयकिशन ने राज कपूर का भाई होने की वजह से उनके लिए चुना राज कपूर की आवाज़ यानी मुकेश जी को। तो आइए इस गीत को सुनते हैं राजिष्णु व्यास के गले से। बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। जवां शहर ये दिल वालों का, हमारे जैसे मत वालों का। गले मिले सब यहाँ पे आकर, नहीं भेद गोरे कालों का। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ आगे, तू चला चल अकेला। नटखट गुड़िया, ये हुस्न वाली मीठी गुड़िया। जरा देर तो सब चकराए, कहाँ से आई इतनी परियां। नमस्ते। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। ये शहर बड़ा अलबेला, हर तरफ हसीनों का मेला। पर और भी है कुछ
कुछ आगे तू चला चल अकेला। मिर्ज़ा गालिब के एक होनहार शागिर्द हुआ करते थे, जो कि उर्दू तहजीब के खुद भी बहुत जाने माने शायर थे, जिनका नाम था अल्ताफ हुसैन हाली साहब। हाली साहब के ख़ानदान में एक से एक बड़े बड़े शख्स हुए, जैसे कि उनके पोते जिनका नाम था ख्वाजा गुलाम अब्बास, जो 1857 की क्रांति के बहुत बड़े लीडर थे जिन्हें अंग्रेज़ों ने तोप के गोले से उड़ाया था। शहीद गुलाम साहब के पोते का नाम था ख्वाजा अहमद अब्बास, जी हाँ के ए अब्बास, वहीं जिन्होंने सात हिंदुस्तानी बनाई थी। और ये वही शख्स है जिन्होंने श्री 420, आवारा और मेरा नाम जोकर की पटकथा भी लिखी थी। के ए अब्बास की पोती है नीलिमा आजम, और नीलिमा आजम के बेटे का नाम है शाहिद कपूर, जिन्हें हम सब जानते हैं। अब कहने का मतलब यही है कि जब जब शाहिद कपूर को देखे तब तब हमें पता होना चाहिए कि उनकी रगों में अल्ताफ हुसैन हाली नाम के शख्स का खून भी दौड़ रहा है। अल्ताफ हुसैन हाली यानी वही शाहिर जिन्होंने लिखा था कि राह के तालिब है पर बेराह चलते हैं कदम, राह के तालिब है पर बेराह चलते हैं कदम, देखिए क्या ढूंढते हैं और क्या पाते हैं हम। हाली साहब के इसी शेर को लेकर शैलेंद्र जी ने एक गीत लिखा। शेर से गीत की शुरुआत होती है और बाद में शैलेंद्र जी के शब्द है। इस गीत को समाया गया था फिल्म आस का पंछी में, जिसे हम अब सुनने वाले हैं। राह के तालिब है हम बेराह पढ़ते हैं कदम, देखिए क्या ढूंढते हैं और क्या पाते हैं, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली, अपनी भी क्या जिंदगी निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। सुहाना था सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस तराना था, रंगीन वो जमाना था, सपना वो क्या सुहाना था, सब सुबह शाम खुशियों के जाम, हर सांस एक तराना था, अब तो बस हर घड़ी दुख भरी में बसी, आस की हर किरण अष्ट बन बह गई, अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए ठुकराए गए जैसे बोतल खाली। किसको सोना है अब सारी रात रोना है, तो
टुकड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है, क्या नींद किसको सोना है, अब सारी रात रोना है। टुकड़े बिछा के सब कुछ भुला के बस एक बार सोना है। जिंदगी जिंदगी ओ मेरी लाडली, आ गले मिल है शायद ये रात आखरी। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए टुकराए गए जैसे बोतल खाली। अपनी भी क्या जिंदगी है निराली, जहाँ गए टुकराए गए जैसे बोतल खाली। फिल्मास का पंछी से ही आ रहा है अगला गाना। ये मुकेश जी का सोलो है, एक पार्टी सॉन्ग है और कुछ लव ट्रायंगल जैसी सिचुएशन दिख रही है। वैजंती माला पियानो बजाने वाले के साथ हंस बोल रही है और राजेंद्र कुमार मुरझाया सा चेहरा लेकर एक साइड में बैठे बैठे ये गाना गा रहे हैं, ए दिल प्यार की मंजिल अब है मुकाबिल देख तो ले। लेकिन बार बार मेरे जहन में ये सवाल आ रहा था कि ये पियानो वाले हजरत कौन है। जानकार ज़्यादा मालूमात हो तो ज़रूर दे, लेकिन हमारी छानबीन ये कहती है कि दूर से संजीव कुमार जैसे दिखने वाले इस एक्टर का नाम था शमिंदर पाल सिंह। इन्होंने इंक्लूडिंग अनपढ़ कुछ 4-5 फिल्में की थी और यहाँ तक कि ये जनाब सिंगर भी थे। लेकिन फिलहाल तो इस गीत में इनके हिस्से में सिर्फ पियानो बजाना आया है और यही गीत हाजिर है आपके लिए। अब है मुकाबिल देख तो ले। आंचल ढल गया सर से चांद को अपने देख तो ले। ए दिल प्यार की मंजिल होगी, ये हलचल ये बात न होगी। देखने वाले देखता जा तू, रोज तो ये बारात न होगी। ए दिल प्यार की मंजिल अब है मुकाबिल देख तो ले। ए दिल प्यार की मंजिल।
कब एक सपना देख रहा था, अब एक सपना देख रहा हूँ। क्या है नजारा क्या बतलाऊँ, देख लो क्या क्या देख रहा हूँ। ऐ दिल प्यार की मंजिल अब है मुकाबिल, देख तो ले आंचल ढल गया सर से, चांद को अपने देख तो ले। ऐ दिल प्यार की मंजिल। बॉलीवुड में रूठने और मनाने वाले गीतों की एक खूबसूरत फहरिस्त है, लेकिन अगर सबसे अच्छे रूठने मनाने वाले गानों को गिना जाए तो मुकेश जी का गाया हुआ अगला गाना निशंक पहले तीन गानों में अवश्य आएगा। वेल, दर्द भरे नगमों के बेताज बादशाह मुकेश जी जब ऐसे चंचल गाने गाते हैं तब और भी लुभावने लगने लगते हैं। इस गीत में उनकी आवाज़ का खुलापन ज़रूर देखिएगा। गीत को लिखा है हसरत साहब ने, आइए सुनते हैं ये गाना। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़ी शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, थोड़ी शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तुम जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। हाय दिल को चुरा कर ले गया, छुपा लेना हमसे वो आपका, छुपा लेना हमसे वो आपका, देखना वो बिगड़ कर फिल्म में और दांतों में उंगली का दाबना, और दांतों में उंगली का दाबना। वो मुझे तेरी कसम ये ही क्षमा मार गया, किसी जलवे पे तेरे दोनों जहां हार गया। तुम रूठी रहो मैं मनाता रहूं, के इन अदाओं पे और प्यार आता है, इन अदाओं पे और प्यार आता है। थोड़ी शिकवे भी हो कुछ शिकायत भी हो, तुम मजा जीने का और भी आता है, मजा जीने का और भी आता है। अब आ रही है फिल्म जंगली।
जी हाँ, जंगली में शम्मी कपूर थे और शम्मी कपूर के लिए सारे गाने रफ़ी साहब ने गाए हैं, आई नो। लेकिन इस फिल्म में एक और कॉमेडी ट्रैक था जिसमें थे अनूप कुमार। जी हाँ, अनूप कुमार वैसे तो हालांकि किशोर कुमार के भाई होने की वजह से लेकिन बड़े मशहूर एक्टर हुआ करते थे। अपनी पूरी करियर में अनूप कुमार के हिस्से में सिर्फ 12 गाने आए, लेकिन उनके हिस्से में कोई एक आवाज़, फिक्स आवाज़ कभी नहीं आई। हर बार नए सिंगर की आवाज़ का उन्हें अनुभव मिला, कभी किशोर कुमार तो कभी मन्ना दा, कभी रफ़ी साहब तो कभी मुकेश जी। जितने गाने अनूप जी पे फिल्माए गए उनमें से दो गाने बेहद खूबसूरत हैं, एक रफ़ी साहब का कौन आया मेरे मन के द्वारे और दूसरा मुकेश जी का नैन तुम्हारे मज़ेदार। तो आइए हसरत जी का लिखा फिल्म जंगली का यही गाना आपके लिए पेश करते हैं। नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली, हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे आली। प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, प्यार किया तुमसे क्या हमने गुनाह किया, आपके इशारों पे खुद को तबाह किया। बनते हैं हम ही गुनहगार ओ जनाबे आली, नैन तुम्हारे मज़ेदार ओ जनाबे आली। हमको तुमसे है प्यार ओ जनाबे आली। जैसा कि हम सब जानते हैं, मुकेश जी का सबसे बड़ा प्रदान दर्द के सुरों में सराबोर कर देने वाले गानों से रहा था। वैसे एक इंटरव्यू में मुकेश जी से जब उनकी पसंद के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने कहा था कि मुझे दर्द के गानों से परहेज नहीं, लेकिन अगर मुझे 10 दर्दीले गानों की एवज में एक हल्का पुल्का या कॉमेडी गाना गाने का ऑफर दिया जाए तो मैं बेझिझक उस ऑफर का स्वीकार कर लूँगा। खैर, ऐसे कॉमेडी गाने गाने के अवसर मुकेश जी को कम ही मिले, लेकिन अपनी दिली ख्वाहिश पूरे करने के अवसर उन्हें मिले तो सही। और ऐसा ही एक गाना अब आ रहा है जिसे महमूद जी पे पिक्चराइज किया गया था। फिल्म ससुराल से ये गीत है और इस गीत में भी एक कॉमेडी सिचुएशन है। आइए सुनते हैं मुकेश जी के पसंदीदा गीतों में से ये गाना। जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ, क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना
जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में तेरे नाम के दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। हम तो दीवाने हैं तेरे नाम के दिल लुटा बैठे हैं जिगर थाम के। इश्क ने हम को निकम्मा कर दिया वरना हम भी आदमी है काम के। इतना मैं गिर चुका हूँ कि हैवान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में तस्वीर हूँ या समझ लो एक बुदे पीर हूँ। अब तो बस पत्थर की एक तस्वीर हूँ या समझ लो एक बुदे पीर हूँ। अपने पैरों बंध गई तो प्यार में ऐसी एक उलझी हुई जंजीर हूँ। हालत को अभी देख के हैरान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में शैतान बन गया हूँ। क्या क्या बनना चाहा था बेईमान बन गया हूँ। जाना जाना तुम्हारे प्यार में। ये गाना था फिल्म ससुराल से और इस फिल्म में लीड हीरोइन थी बी सरोजा देवी। बला की खूबसूरत, एक्टिंग में भी अव्वल, डांस में भी इनका जवाब नहीं। हाँ एक बात थी, सरोजा देवी वैजयंती माला की तरह दिखती थी। अब ये उनकी खासियत थी या कमज़ोरी, ये तय कर पाना बहुत मुश्किल है। हमारे यहाँ एक अजीब सा रिवाज है बॉलीवुड में, जब कोई किसी की तरह लगता है तब अपनी सारी खूबियों के बावजूद भी उसे हमेशा ही अपने वजूद को किसी और की परछाई में ही पालना पड़ता है। अच्छा गायक होने के बावजूद भी शब्बीर कुमार रफ़ी साहब की परछाई से कभी नहीं निकल पाए। कुछ ऐसा ही नितिन मुकेश के साथ भी हुआ, उन्हें भी हमेशा ही मुकेश जी का रिप्लेसमेंट ही समझा गया। वैजयंती माला अपनी जगह थी, सरोजा देवी अपनी जगह थी, फिर भी कह सकते हैं कि कुछ ऐसा ही बी सरोजा देवी के साथ भी हुआ शायद। खैर, जो थोड़ी बहुत फिल्में उनकी आज भी हमारे पास हैं उनमें से एक है ससुराल और इसी फिल्म से पेश है अगला गाना। न खोलेंगे जुबान सितम तेरे कभी तो बेअसर हो जाएंगे। पुकारो लाख तुम
न फिर लौटेंगे हम, कि हम भी राह की इस धूल में खो जाएंगे, सता ले जहां। जलन दिल की तो कहती है कि मैं उठ जाऊं महफिल से, जलन दिल की तो कहती है कि मैं उठ जाऊं महफिल से, मगर उम्मीद दामन को मेरे छोड़े कि मुश्किल से, अरे छोड़े कि मुश्किल से, थके हारे हैं हम जहां टूटे गदम, बिछा के सेज अंगारों की चुप सो जाएंगे, सता ले जहां। फैशन शुरू हुआ था CSP यानी कॉमिक साइड प्लॉट का फैशन। हर फिल्म में मुख्य कहानी के साथ साथ दो कॉमेडी किरदार होते थे, कपल होता था जिनकी कहानी पैरेलल चलती थी। अब ये जो किरदार हुआ करते थे, ये लीड एक्टर्स जितने ही लोकप्रिय भी हुआ करते थे और इन्हें उतने ही लोकप्रिय गाने भी दिए जाते थे। हर फिल्म में एक या दो गाने इन कॉमेडी एक्टर्स के नाम होते थे और अच्छे गाने बनाए जाते थे। जैसे फिल्म जंगली में अनूप कुमार और शशिकला थे, उसी तरह इस फिल्म में ससुराल में महमूद और शुभा खोटे का कॉमिक साइड प्लॉट था। तो अगला जो गाना है वो इन्हीं दोनों पे फिल्माया गया हसरत साहब का एक बेहतरीन गाना है, डुएट है, आइए सुनते हैं। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अपनी उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। पास रह कर भी बहुत दूर रहे,
एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे, पास रह कर भी बहुत दूर रहे, एक बंधन में बंधे फिर भी तो मजबूर रहे, मेरी राहों में न उलझन का अंधेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, प्यार की रात का कोई सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। उल्फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते कटे तू दुआ करे, अजब सुलगती हुई लकड़ियां हैं जग वाले, मिले तो आग उगलते कटे तू दुआ करे, अपनी दुनिया में भी सुख चैन का फेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, अपनी हुई फत पे जमाने का न पहरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता, प्यार की रात का कोई न सवेरा होता तो कितना अच्छा होता, तो कितना अच्छा होता। आज हमने 1960 और 1961 इन दो वर्षों की बात की। 60 का दशक शुरू होते होते मुकेश जी पार्श्व गायन के शीर्ष पर विराजमान थे। आखिर मुकेश जी की आवाज़ का मतलब क्या था, ऐसे कौन से तत्व उनकी आवाज़ में थे जिसने उनकी गायकी को हमेशा के लिए अमर कर दिया? वेल, मुकेश जी के गायन में प्रेम की पीड़ा के साथ साथ टूटे हृदय का दर्द जिस स्वाभाविकता से बयान होता था उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। दरअसल भावनात्मकता मुकेश जी की गायकी का सबसे मशहूर और सबसे मजबूत स्तंभ हुआ करता था। संगीत के बड़े बड़े उस्ताद और पंडित भी उनकी इस भावनात्मकता को सुनकर दांतों तले उंगलियां दबा लिया करते थे। मुकेश जी की ऐसी ही खासियतों के बारे में हमें आगे भी बात करनी है, लेकिन अगली कड़ी में। तब तक शंकर जयकिशन म्यूजिकल फाउंडेशन की ओर से मैं लिपि ओझा इजाज़त चाहती हूँ। गुड बाय।